हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जो कि मैं आपको बता दूं, अभी मिर्जापुर के चौक पे हूँ। आप देख सकते हैं ये चौक है, मिर्जापुर चौक है। तो आज मैं ब्रज मंदिर का आपको मैं दर्शन कराऊंगा। चलते हैं, आपको मैं दर्शन कराऊंगा। ये हमारे प्रतुल जी है। हाय, आई एम प्रतुल सत्संगे। मैं अभी मिर्जापुर चौक पे हूँ और यहाँ मैं आज आपको मलेच्छ मर्दनी मंदिर, जो कि दरभंगा शहर के काफी प्रसिद्ध और बहुत ही पुरानी मंदिर है, आइए मैं मलेच्छ मर्दनी मंदिर का आपको दर्शन करवाता हूँ। तो आइए, और हमारे चैनल में बना रहे तो आपको मैं दर्शन कराऊंगा, क्योंकि ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। चलिए, मैं आपको मैं दर्शन कराऊंगा। ये मलेच्छ मर्दनी मंदिर के जस्ट पीछे आपको एक पेट्रोल पंप है और बस इसके 10 से 15 कदम आगे आपको मलेच्छ मर्दनी मंदिर का दर्शन होगा। काफी अस्त व्यस्त रहता है यह शहर, शाम को तो अक्सर ये रोड काफी बिजी मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए रास्ता मिल ही जाता है। बस कुछ ही क्षणों बाद आप देख सकते हैं ये मलेच्छ मर्दनी मंदिर का गुंबज बहुत ही ऊपर है। आइए, हम लोग मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं। देखिए, यहाँ पे मंदिर के बगल में प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे लड्डू पेड़ा वगैरह बहुत सारा चीज मिलता है। आप यहाँ पे आएंगे तो आप चढ़ाने के लिए इस दुकान से लड्डू पेड़ा और मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। तो आइए, आप सभी भक्तों को मैं मलेच्छ मर्दनी मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और मन की मुरादें पूरी पाते हैं। इस मंदिर में दूर दूर का कितना अच्छा लग रहा, क्या मस्त व्यू है। और ये बजरंग बली का मंदिर है, क्योंकि यहाँ अगल बगल में और सारी प्रतिमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये दर्शन कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको मेन मंदिर का आपको मैं दर्शन कराता हूँ, जो कि इसे कहते हैं मलेच्छ मंदिर। आपको मैं दर्शन कराता हूँ, आप देख सकते हैं सामने में ये मलेच्छ मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। पंडित जी, पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना मंदिर होगा? इस मंदिर कितना पुराना मंदिर होगा? 250-300 वर्ष होगा। ये मंदिर का लोकेशन, ये मंदिर का लोकेशन बता दीजिए। लोग इस मंदिर में आना चाहेंगे दर्शन के लिए, जैसे दूर दराज से लोग आते हैं तो लोकेशन कैसे आएंगे ये बताने की आपकी जरूरत है। दरभंगा स्टेशन पर जाइएगा, वहाँ भी लिखा हुआ है लोकेशन का, वहाँ सारे पास मिर्जापुर आना पड़ेगा। जी जी, मलेच्छ मर्दनी से मिर्जापुर आने के लिए स्टेशन से डायरेक्ट मिर्जापुर चौक आइए, मिर्जापुर चौक से चले आइए, लड़िया से रोड है, इधर लड़िया से रोड है, मलेच्छ मर्दनी मिर्जापुर, मलेच्छ मर्दनी मिर्जापुर। आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ आपको दर्शन करना होगा तो सबसे पहले आपको मिर्जापुर चौक पे आइए और 10 कदम आगे आइएगा तो आपको ये मंदिर मिलेगा। देखिए, भक्तों का दम बंद होगा, वो अंदर दर्शन करके वापस आ रहे हैं और अपने अपने घर के प्रस्थान कर रहे हैं। और ये देखिए, काफ़ी व्यस्त ये शहर है, शाम को थोड़ा सा 8 बजे के बाद हल्का सा ढीला पड़ जाता है, नहीं तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और वापस हम लोग मिर्जापुर चौक की ओर लौट रहे हैं और आप सभी के लिए माता रानी यानी मलेच्छ मर्दनी माता से दुआ करते हैं कि आप सबके लिए यह दिन और आप सबके लिए सारी सपने जो साकार करें, माता रानी से यही दुआ। अगर आपको मंदिर का दर्शन करना है, सबसे पहले आपको आना होगा
मिर्जापुर चौक, चौक आगे चौक है, तो आप 10 कदम आगे आएगा तो आपको ये मंदिर मिलेगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जो क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता हूँ और लाता रहूँगा। और हाँ, यह दरभंगा स्टेशन से यदि आप चलते हैं तो मात्र आपको 10 मिनट लगेगा मलेश मर्दनी मंदिर का दर्शन करने में। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।